Audio Jungle. Good morning, students. Today I discuss some important topic like water cycle. Water cycle. First of all, you know what do you mean by water cycle? आप water cycle का मतलब क्या समझते हैं? देखिए, बारिश जब होती है उसका मतलब कैसे बारिश हो गई? भाई उसके पास पानी का टैंकर तो है नहीं कि आसमान के पास एक अपना टैंकर है, उस टैंकर से उसने पानी जब मन करा पानी गिरा दिया, उसके पास टैंकर नहीं है। वो कैसे तक वो प्रोसेस हुआ? तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से वाटर और पानी होते हैं, पूरा इकोसिस्टम कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और जब आप साइंस की बुक्स खोलेंगे, अपना इकोलॉजी में जब जाएंगे, तो वहाँ पर एक साइकिल होती है, आपको बहुत सारी साइकिल पढ़नी पड़ेगी। जैसे एक ऑक्सीजन साइकिल होती है, सांस लेना है, जैसे एक्सचेंज ऑफ सांस लेना, वाटर साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, ऑर्गेनिक साइकिल्स होती है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे वाटर साइकिल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके पेपर्स में टीचर डायग्राम बनाने के लिए कह देते हैं कभी कभार। तो देखिए, हम समझते हैं कैसे होता है वाटर साइकिल। पहले हम डायग्राम को समझते कहाँ पर क्या है। देखिए, ये क्लाउड है, यहाँ से काफी भारी मात्रा में रेनफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है। देखिए, यहाँ पर एक पॉन्ड है, ये देखिए बत्तख बैठी है, अपना काफी रेन मतलब इसलिए आराम से, जैसे आप लोग घर बैठे हैं आराम से। ये जमीन का इलाका है पूरा, ये एक हाई रिवर क्रॉसिंग है, यहाँ पर काफी बड़ा नदी का पॉन्ड इसे कहते हैं, तालाब को कहते हैं, रिवर नदी कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमने एक पेड़ बनाया है, जनरली पेड़ नारियल का पेड़ है, आप पेड़ देखते होंगे इस तरीके से बनते होंगे, पर हमने नारियल का पेड़ बनाया है एग्जाम्पल, जिससे सीनरी में अच्छा लगे आपको। तो देखिए, ये नारियल का पेड़ है और ये क्लाउड है, ये माउंटेन है, ये हमारा क्या है, गोलू मोलू सन, छोटा सा सन हमारा प्यारा सा। अब देखिए, प्रोसेस होती कैसे है। सनलाइट, जब भी सनलाइट आती है तो साथ में गर्मी लाती है। अब देखिए, जब आप अपने घर में पानी को उबालते हैं तो पानी थोड़ा सा मिक्स उसका कम हो जाता है अमाउंट, या फिर वो भाप बन के इवेपोरेट हो जाता है, वेपर फॉर्म में वो बाहर निकलता है। देखिए, आप जब भी आप अपने घर में सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाइए, उस पर रखिए आराम से, उसमें पानी डालिए, उसके बाद उस पानी को जो कंटेनर जिसे आपने बाउल लिया है, उस कंटेनर को ढक दीजिए। थोड़ी देर बाद आएंगे तो जो कंटेनर जिसे आपने ढका है उसके ऊपर भारी मात्रा में पानी बटक जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो फिर पानी आप देखिए वो इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाता है वेपर के फॉर्म पे। वही मैकेनिज्म आप यहाँ समझिए। देखिए, ये वाटर साइकिल सनलाइट जब पड़ती है कहाँ पर, रिवर में, ये पॉन्ड में। तो जब पानी ये सनलाइट जो रिवर में पड़ती है, तो यहाँ से ये जो वाटर है H2O, जिसको हम वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, तो ये पानी वेपर के फॉर्म में, देखिए वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर चल जाता है। ये ऊपर जब कहाँ जाएगा, अब भाई वेपर फॉर्म में जा रहा है तो यहाँ पर ये जो क्लाउड है इसमें जाके स्टोर हो जाता है। तो ये क्लाउड जो होता है, जब पानी से स्टोर हो जाएगा तो जो बादल का पानी होता है, जो पानी बरसाने वाले बादल होते हैं वो नॉर्मली बादल से नीचे होते हैं। ऐसे कंपेरिजन आपको दिखाते हैं, हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये नॉर्मल क्लाउड है और ये हमारा रेनफॉल क्लाउड है, यहाँ से बारिश हो रही है। तो ये इसकी हाइट, क्योंकि इसके पास वाटर स्टोर किया है, इसने क्या वाटर, इसने वाटर को स्टोर किया है कैसे, वेपर के फॉर्म में। जब इसने वाटर को स्टोर कर लिया है तो इसका वेट थोड़ा सा कम हो गया और इसका वेट हाई पे है। अब देखिए, जब पानी बरसता है तो सबसे पहले लोग बिजली गड़कती है, वो क्यों गड़कती है? देखिए, जब दो बादल आपस में टकरा जाते हैं, दो बादल उनके टकराने की वजह से इतना हैवी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे आसमान में बिजली चमक उठती है, दो बादलों के टकराने की वजह से। अब ये वेपर फॉर्म में जब यहाँ पर क्लाउड गया, अब ये जब ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है कुछ समय बाद यहाँ पर ज्यादा स्टोरेज हो जाएगी। अब भाई, जितना कंटेनर में पानी रखोगे उतना ही रखोगे ना, आप उसमें ज्यादा डालेंगे। आप समझिए, एक गिलास हम लेते हैं, गिलास हमने पानी लिया, हमने भर दिया उसको, फिर भी हम नहीं मान रहे हैं, हम उसमें पानी और डाल रहे हैं जा रहे हैं। अब क्या होगा, पानी बहेगा, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है। सनलाइट की किरणें पड़ रही है, सनलाइट वैसे वाटर जो है इवेपोरेट हो रहा है, वेपर फॉर्म में आसमान में जा रहा है, जाके स्टोर हो रहा है। अब स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो गई तो वहां पर इसने हैवी रेनफॉल क्या होगा, आप जब देखते होंगे माउंट एवरेस्ट की टाइप जाते होंगे, जहां पर माउंट पहाड़ी इलाका होता है, तो वहां पर भारी मात्रा में बारिश होती है। जैसे आप हमारे हिंदुस्तान में देखेंगे मेघालय में भारी मात्रा में हर दिन बारिश होती रहती है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, जिसकी वजह से वहां पर काफी हैवी रेनफॉल होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने वो दिखाया कि कौन सी रीजन है। अब देखिए, एक छोटा सा हाथी, प्यारा सा नन्हा मुन्ना छोटा सा बच्चा है, ये अपना कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये भी तो इंसान ही है, ये भी तो लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग के लिए वो सांस लेते हैं,
श्वास लेते हैं, कमर रिस्पिरेशन करते हैं। अब इसने CO2 छोड़ दिया, अब ये CO2 गया इस पेड़ से O2 लेने के लिए। अब देखिए ये O2 चल रहा है, यहाँ से CO2 आ रहा है। अब ये CO2 ले लिया और ये CO2 O2 ने इसको ले लिया, तो इससे इसका काम भी पूरा हो गया और दूसरा जो CO2 है इसकी काम भी पूरा हो गया। CO2 मदद करेगा इसके रिस्पिरेशन में, O2 रिस्पिरेशन मदद करेगा इसकी। देखिए माउंटेन का क्या काम होता है, माउंटेन क्या करते हैं, माउंटेन ऐसे इलाके में जहां पर हैवी रेनफॉल्स होती हैं वहां पर काफी भारी मात्रा में, आप जब आसमान से देखेंगे लगेगा जमीन के पास एकदम जमीन जो है वो टच है, पर ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। वो हमें ऐसा लगने की वजह से, ऐसे लगने की वजह से हमको लगता है कि जो क्लाउड्स हैं वो जमीन से काफी टच है, पर रियलिटी वो होती है कि वो पहाड़ी इलाके में जो हैवी रेनफॉल की जो माउंटेन की हाइट होती है वो आप समझिए 25,000 फीट ऊंचाई होती है, 8,000 फीट ऊंचाई होती है, काफी हैवी हाइट होती है हम लोगों की, जिसकी वजह से जो भारी बादल होते हैं तो एकदम अटैचमेंट क्रिएट होती है। आप जब ऋषिकेश जाएंगे तो आपको लगेगा कि बादल एकदम हमें टच करें, हम बादल कैसे पकड़ लेंगे, आप जब पास जाकर पकड़ेंगे ना तो वैसे आपके हाथ में आएगा और मुंह को नहीं लगेगा वही कहावत होगी, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर होती है। अब देखिए इस पॉइंट में हमने छोटा सा बनाया जो प्रोसेस यहाँ पर, क्योंकि हैवी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है तो भारी मात्रा में वाटर को इवेपोरेट करने का पानी मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए पॉन्ड है, इसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर है, तो अब इसमें से जब वाटर इवेपोरेट होगा वेपर फॉर्म में, किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में जब ये निकलेगा वाटर, तो ये जब निकलेगा तो इसके कारण से यहाँ पर पानी खत्म हो जाएगा। अब जब पानी यहाँ से खत्म हो जाएगा, अब भाई बारिश हो रही है, अभी बारिश जब यहाँ होती है अभी समझिए रेनफॉल हो रहा है, अब ये रेन या तो पॉन्ड में आएगा फिर पॉन्ड से ये चीज यहाँ पर जाती है। पहले जब बारिश होती है आप देखते होंगे अपने घरों में छत पर से पानी गिरता है, फिर साफ नालियों में जाता है, नाली के बाद नालियों में जाता है, नाले के बाद नदियों में जाता है, नदियों से बड़ी नदियों में जाता है, बड़ी नदियों से महासागर में जाता है, इस तरीके से पूरा कैरी ऑन प्रोसेस चलता रहता है। तो हमने एक डायग्राम सब समझाया कि यहाँ पर बारिश हुई, बारिश से पानी पॉन्ड में आया, पॉन्ड से पानी नदी में गया, नदी से फिर ऊपर गया। तो आप देखते क्या है इस समय पूरे प्रोसेस में, आप देख क्या रहे हैं, यहाँ पर एक इस तरीके से एक साइकिल बन रही है, इस तरीके से एक साइकिल बन जा रही है, और इस साइकिल को ही हम, क्योंकि वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है और उसके बाद वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जा रहा है, इसकी वजह से आप इसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। भाई शक्ति के पहिए, साइकिल के पहिए जैसे तो बना, अब एक बार हमें जो बी लगा दिया डेंसिटी लिख करके तो बन गया आपका चक्का, तो साइकिल इसके लिए कहा, क्योंकि एक गोल प्रोसेस जो आप देख रहे हैं ये साइकिलिंग प्रोसेस जैसे हो रहा है, यहाँ से पानी गिर रहा है फिर पानी नदी में आ रहा है फिर नदी से ऊपर जा रहा है वेपर फॉर्म में, ये पूरा प्रोसेस तरीके से होने की वजह से इसको हमने वाटर साइकिल कहा। आई होप आपको इस डायग्राम से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट अगर आपको नोट करना है आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए आप अपने डायग्राम में या तो आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं कोई इस पे प्रोजेक्ट, या इसके ऊपर जनरली आप आर्टिकल कोई लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, या फिर कोई असाइनमेंट आप तैयार कर सकते हैं, या फिर जनरली आप अपने छोटे दोस्त भाई बहन को या फिर दोस्तों को समझा भी सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा वाटर साइकिल समझ में आया होगा और इसमें क्या प्रोसेस हो रही है आपको उसमें भी समझ आया, जैसे कि वाटर साइकिल का जो इवेपोरेशन होता है, वेपर कैसे ऊपर जाता है, किस वजह से वेपर फॉर्म में ऊपर जाता है, ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें प्रोसेस यही है, आप इसमें ज्यादा कुछ जानने की चीजें हैं नहीं, क्योंकि इसमें साइकिल काफी सिंपल और आसान साइकिल है, इससे थोड़ा कठिन साइकिल होती है नाइट्रोजन साइकिल, थोड़ा वहाँ पर ऑर्गेनिक या फिर सॉइल के अंदर से मटेरियल को निकालते हैं, इसकी वजह से वहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल आती है जो आपके लिए काफी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो वाटर साइकिल आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, और आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपनी आपको जो पढ़ना है, आपको जो मन कह रहा है सर हमें ये जानना है इस पे हमें बता दीजिए, आप उसको हमारे टॉपिक हमारे चैट करें, किसी आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे ये जानकारी आपके दोस्तों, आपके परिवार वालों और आपके रिलेटिव भी जानकारी पहुंचे कि भाई क्या होती है वाटर साइकिल। ठीक है, थैंक यू।